आइए हम लोग इस समय क्रूश वाणी पर हम लोग मनन करें, क्रूश वाणी को सुने और कुड़ुक डंडी गीत नंबर 102 को निकालें। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 102, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 102 को निकाल लें और आइए हम लोग सुने वचन को। लूका 23:33 से लेकर 34 पद तक, लूका 23:33 से 34। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मन जाके क्रूस नो यीशु को बरार दास, मन जाके क्रूस नो यीशु को बरार दास, बाबा लूका 23:39 से 43। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मन जाके रोशनो यीशु को बरार दास, मन जाके रोशनो यीशु को बरार दास, मन में आदर नमनी गने क्रोसनो यीशु को बरार दास, मन जाके क्रोसनो यीशु को बरार दास। यूहन्ना 19:27 पर यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, कलोपास की पत्नी और मरियम मगदलेनी खड़ी थी। यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, देख तेरी माता। मन जाके क्रोसनो यीशु को बरार दास, मन जाके क्रोसनो यीशु को बरार दास, ए रानी घनी दशहरा निंदनियो बाद क्रोसनो यीशु को बरार दास, मन जाके क्रोसनो यीशु को बरार दास। मत्ती 26:45 से लेकर 46 पद तक, मत्ती 26:45 से 46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक
और सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा समक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मन जाकेरा क्रोस नो यीशु को बरार दास, मन जाकेरा क्रोस नो यीशु को बरार दास, ये योहन्ना 19:28 पर। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पौत्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मन जाके रोशनो यीशु को बरार दास, मन जाके रोशनो यीशु को बरार दास, उनका लगी योहन्ना 19:29-30 पर। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ है। मन जाके क्रूस नो यीशु को बरार दास, मन जाके क्रूस नो यीशु को बरार दास, मन जाके पर। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मन जाके क्रूस नो यीशु को बरार दास, मन जाके क्रूस नो यीशु को बरार दास, बाबा त्यागा। जब छोड़ूंगा इस जग को
तब मुझे तमा दे, जब भोगूंगा मैं मृत को तब मेरी शुद्धि ले, जब मुझे डर और त्रासा धर लेंगे मृत समय, तब तू हो मेरी आशा जो मेरा त्राणी है। आप सबको हमारे त्रिक परमेश्वर पिता और पुत्र और पौत्रात्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अर्थ मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 34:15 पर, कि परमेश्वर की आंखें हमारे ओर लगी रहती है और उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगी रहती है, आमीन। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर फिर कर आपने हम एक एक को परमेश्वर पिता इस भला शुक्रवार के आराधना के नाम हम एक एक को एक दूसरे के साथ में आपने जुड़ने का मौका को दिया है प्रभु, कि निश्चय महान परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके क्रूस के निकट आते हैं प्रभु, ताकि एक बार फिर से हम आपके क्रूस से कही हुई वाणियों को हम सुन सकें और महान परमेश्वर उस वचन के अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सकें। हम महान परमेश्वर इस निमित्त एक बार फिर से हमें की को लाया है प्रभु, कि हम आपके क्रूस के निकट में रहें पिता, और आपके लहू से हम धोए जाकर शुद्ध और पवित्र किए जा सकें और हम स्वर्ग राज्य के हम अधिकारी हो सकें। हम महान परमेश्वर इस निमित्त हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ में, बड़े ही पश्चाताप के साथ में हम आए हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम एक एक जीवन को तो ग्रहण कर और हमारे जीवन के सारे पापों को क्षमा कर। इस समय कर पिता हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि हम आपके वाणियों को सुन सकें जो आपके मुख से मानव जाति के लिए निकला है प्रभु, ताकि वो वचन हम एक एक के लिए उद्धार का कारण ठहरने पाए। हाँ महान परमेश्वर इस समय एक बार फिर से जब आपके वचन में से सुनना चाहते हैं तो वचन के द्वारा बातचीत कर, हाँ परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन की भेद की बातों को हम सुन सकें, समझ सकें और यह समय हमारे आशीष का कारण ठहरने पाए। जितने लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, एक एक को ग्रहण कर और एक एक को तो आशीष प्रदान कर, ताकि आज परमेश्वर पिता भला शुक्रवार की आशीष एक एक जन अधिकारी से प्राप्त करने पाए। अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, मेरे तुच्छ मुख के साथ होकर बातचीत कर, ताकि मेरी बातें नहीं लेकिन आपकी बातें और आपकी इच्छा अधिकारी से पूरी होने पाए। सारे पापों को मानते हैं, अपने लहू से सारे पापों को क्षमा कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग उपदेश वचन को हम लोग सुनेंगे जो हम सबों के लिए मिलता है, प्रकाशित वाक्या 5:6-10 तक। प्रकाशित वाक्या 6:6-10 तक। जब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, उसके सात सिंह और सात आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में पीना और धूप जो पौत्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यहीं तक आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। मसीही प्रियो, उद्धारकर्ता प्रभु को धन्यवाद कि एक बार फिर से हम लोग भला शुक्रवार के आराधना में, गुड फ्राइडे के आराधना में हम लोग प्रवेश करने पाए हैं। मसीही प्रियो, कल बृहस्पतिवार को हम लोगों ने प्रभु भोज स्थापना पर्व को हम लोग मनाने पाए। मेरे प्रियो, प्रभु भोज स्थापना पर्व को हम लोग मनाने पाए और मेरे प्रियो, हम लोगों ने इस बात को
हम इसको देखा कि यीशु मसीह ने हमारा जाति के उद्धार के लिए मेरे प्रियो उस पुराने विधान को तोड़कर एक नया वाचा को बांधा मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो उस मेमने के स्थान में मेरे प्रियो अपने आप को बलिदान किया और मेरे प्रियो रोटी और दाखरस के रूप में दे दिया मेरे प्रियो कि जितने लोग उसे ग्रहण करें वो जीवन को पाएंगे, वे उद्धार को पाएंगे। और इस निमित्त मेरे प्रियो हम लोग देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज स्थापना करने के बाद में मेरे प्रियो जब वो गेतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो यीशु मसीह के जो पैरी थे वो यीशु मसीह को मेरे प्रियो पकड़ कर रात भर मेरे प्रियो यीशु मसीह को क्या किए, मेरे प्रियो सताए, यीशु मसीह का निंदा किए, यीशु मसीह का हम मेरे प्रियो अपमान किए। और मेरे प्रियो निश्चय हम लोग मेरे प्रियो देखते हैं कि पूरे रात भर उनके साथ अन्याय करते हुए उन्हें सताते हुए मेरे प्रियो आज के दिन में यीशु मसीह को मेरे प्रियो क्रूस पर चढ़ाते हैं। और ऐसे समय में मेरे प्रियो सचमुच में जब यीशु मसीह मेरे प्रियो वो भयंकर मृत्यु के दर्द से कराह रहे हैं, हाँ मेरे प्रियो वो व्याकुल हैं, वे मेरे प्रियो मरने पर हैं, उन्हें दर्द हो रही है, कष्ट हो रही है, ऐसे समय में मेरे प्रियो वो क्रूस पर से मानव जाति के लिए उद्धार की बातों को करते हैं। और मेरे प्रियो आइए आज हम लोग उपदेश वचन पे हम लोग मेरे फोकस नहीं, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के मुख से निकले हुए उनके क्रूस वाणियों पर हम लोग मनन करें, जिन्होंने मेरे प्रियो 7 क्रूस वाणी यीशु मसीह ने किए, उनमें से मेरे प्रियो हम लोग 4 क्रूस वाणी को सुनेंगे, पहला से लेकर 4 क्रूस वाणी, जिसमें मेरे प्रियो पहले 3 क्रूस वाणी, पहला, दूसरा और तीसरा क्रूस वाणी यीशु मसीह ने मेरे प्रियो दिन के उजाले में अर्थात मेरे प्रियो 9 बजे से 12 बजे के अंतराल में उन्होंने 3 क्रूस वाणी को उन्होंने कहा। मेरे प्रियो जब कोई व्यक्ति जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में होता है, जब वो मेरे प्रियो मृत्यु के करीब होता है, मेरे प्रियो वो हर संभव वो प्रयास करता है मेरे प्रियो कि वो अपने परिवार के सदस्यों को, अपने लोगों को मेरे प्रियो वो संदेश दे, हाँ मेरे प्रियो वो कुछ सब उनसे कहें, और मेरे प्रियो उनका जो अंतिम कहा हुआ जो वाणी है मेरे प्रियो उनके परिवार के सदस्यों के लिए, उनके लोगों के लिए मेरे प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ मेरे प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अंतिम क्षण में उसके प्रियजन ने उनके लिए, हाँ मेरे प्रियो मरते जाते हाँ मेरे प्रियो कुछ शिक्षा दे गया है, हाँ कुछ आज्ञा दे गया है, कुछ जिम्मेदारी दे गया है मेरे प्रियो, और इस बात को उसके परिवार के लोग प्रियजन मेरे प्रियो उस क्या करते हैं, जीवन भर स्मरण करते हैं और क्या बोलते हैं मेरे प्रियो, और उनका ये कहना होता है कि इसे मरते हुए प्राण छोड़ते हुए हमारे प्रियजन ने कहा था और उसे मैं किसी भी कीमत में मैं क्या करूँगा, मैं पूरा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाऊँगा, उसे मरते हुए कहा था मैं उसे पूरा करूँगा। मेरे प्रियो जीवन भर वह बहुत सारी बातों को किया, बहुत सारी बातों को बोला, लेकिन उसके प्रियजन ध्यान नहीं दिए, लेकिन जो बात उन्होंने मेरे प्रियो अंतिम क्षण में कहा उस बात को उन्होंने मेरे प्रियो बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और ऐसे ही मेरे प्रियो आज यीशु मसीह ने अपना प्राण को त्याग करने से पूर्व क्रूस में से पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए मेरे प्रियो अपने मुख से जो भी वो तड़प रहे हैं, जो भी कि मेरे प्रियो हम मेरे प्रियो दर्द में कराह रहे हैं, मानव जाति के लिए मेरे प्रियो उन्होंने उद्धार की बातों को कहा। और मेरे प्रियो आज हम इस भला शुक्रवार में गुड फ्राइडे में उस उद्धार के कामों को, उद्धार की बातों को हम उस कलवरी के क्रूस में पूरा होते हुए हम देखने पाते हैं। तो मती में प्रियो आइए हम इससे पहले के क्रूस पर मनन करें। आज का दिन को हम लोग मेरे प्रियो गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, भला शुक्रवार के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्रियो भला शुक्रवार क्यों, मेरे प्रियो गुड फ्राइडे आज हम लोग क्यों कहते हैं, भला शुक्रवार क्यों कहते हैं, तो मेरे प्रियो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि और जो दिन है वो बैड शुक्रवार है, हाँ मेरे प्रियो बैड फ्राइडे है, बुरा शुक्रवार है, लेकिन मेरे प्रियो आज का दिन भला शुक्रवार इसलिए है कि हरेक दिन को परमेश्वर ने भला बनाया है, हरेक दिन को परमेश्वर ने उत्तम बनाया है, लेकिन उस भले दिन में, उस उत्तम दिन में परमेश्वर ने और भी भलाई को क्या किया, प्रकट किया। मेरे प्रियो उस उद्धार के कार्य को क्रूस पर से यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। और इसीलिए मेरे प्रियो जो भी कि हरेक दिन भला है, लेकिन आज के दिन को वो हम मानव जाति के लिए और भी गुड बना दिए,
वो और भी भला बना दिए ताकि सचमुच में हम मानव जाति यीशु के उद्धार को प्राप्त कर सकें। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम लोग थोड़ी थोड़ी समय हम लोग मेरे प्रियो थोड़े थोड़े समय के अंतराल में क्रूस से कहे वाणियों पर मनन करें। पहला क्रूस वाणी को हम लोग सुने मेरे प्रियो, जो हम सबको मिलता है लूका 23 उसका 34 पद में यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, लूका 23 उसका 34 पद में देखने पाते हैं यीशु मसीह जब वो क्रूस पर मर रहे हैं वे कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमें प्रियो जब वो दर्द से करहा रहे हैं वो क्षमा की बातों को करते हैं। और यीशु मसीह में मेरे प्रियो यहाँ पर कैसे मृत्यु को मर रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस की मृत्यु को मर रहे हैं मेरे प्रियो, इस बात को देखने की बातें हैं। वो साधारण मृत्यु को नहीं मर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो क्रूस पर चढ़े हुए हैं। और जो क्रूस का मृत्यु है मेरे प्रियो बहुत ही पीड़ादायक होता था मेरे प्रियो, बहुत ही कष्टदायी होता था, बहुत ही मेरे प्रियो भयंकर होता था, वो मेरे प्रियो जीवन को तोड़ने वाला होता था। हाँ मेरे प्रियो, और ऐसे समय में जब एक व्यक्ति जब क्रूस पर चढ़ाया जाता था, जब मेरे प्रियो वो क्रूस पर जब मरता था तो अपने सताने वालों को अपने दोस्तियों को मेरे प्रियो वो श्राप देता था। हम लोग वो उनको मेरे प्रियो क्या करता था, कोसता था, उनके प्रति उनके मन में घृणा होता था, क्रोध होता था, बदला लेने की भावना होता था मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, क्षमा करते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह को हम लोग देखने पाते हैं कि बृहस्पतिवार को धोखे से पकड़ने के बाद में रात भर मेरे प्रियो उसे सताया गया, रात भर मेरे प्रियो उसका निंदा किया गया मेरे प्रियो। सिपाही और अधिकारीगण हाँ मेरे प्रियो उनका क्या किए, मजाक उड़ाए, उसे मेरे प्रियो थप्पड़ मारे। और देखिए मेरे प्रियो शास्त्रीगण फरीसीगण याजकगण हाँ मेरे प्रियो क्या किए, वे लोग मेरे प्रियो नाना प्रकार के दोष लगाए, लक्षण लगाए और यीशु मसीह को पकड़ा दिए। यहूदा इस्करियोती ने मेरे प्रियो 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। वहीं पर मेरे प्रियो हम लोग भीड़ को देखते हैं, जो भीड़ है उन्होंने मेरे प्रियो सचमुच में हाँ मेरे प्रियो यीशु को छोड़कर हाँ मेरे प्रियो बरअब्बा का मांग किया। और यीशु के बारे में क्या कहा कि इन्हें क्रूस पर चढ़ा, उन्हें क्रूस पर चढ़ा, इनका खून का लेखा हम पर और हमारे संतानों पर लगे, लेकिन यीशु को कहाँ पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने मेरे प्रियो यीशु के छोड़ने के स्थान पर बरअब्बा को छोड़ दिया। और ऐसे समय में मेरे प्रियो उन लोगों से यीशु को दर्द हो रहा है, यीशु को मेरे प्रियो कष्ट हो रहा है, उनके कारण से यीशु के सिर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया है, उनके पांजन पर भालों से बेधा गया है, उनके हाथ और पांव में बड़े बड़े कीलों को ठोका गया है। और ऐसे समय में मेरे प्रियो यीशु मसीह के मुख से श्राप निकल रहा था, यीशु मसीह के मुख में मेरे प्रियो बदला की भावना होनी थी, उनके मुख में क्रोध होना था, लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने इस जगत में आने के उस कार्य को पूरा करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस जगत पे इसीलिए आए मेरे प्रियो ताकि वो मानव जाति का उद्धार कर सकें, मानव जाति को बचा सकें। और मेरे प्रियो हम लोग देखने पाते हैं यहेजकेल 33:11 पद में परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि वो दुष्टों के मन से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने पापों से फिर कर जीवित रहे। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि मानव जाति नाश हो जाए। और मेरे प्रियो और इसी निमित्त जो भी कि मेरे प्रियो उसे थप्पड़ मारा गया, जो भी कि मेरे प्रियो उसका निंदा किया गया, जो भी कि मेरे प्रियो लोग उन पर दोष लगाए और मेरे प्रियो बड़े बड़े कीलों को ठोका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, मेरे प्रियो वो अपने सताने वालों के लिए क्या करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या करते हैं। मेरे प्रियो बहुत बड़ी बात यहाँ पर यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए कहे, अपने दोष लगाने वालों के लिए कहे, अपने निंदा करने वालों के लिए कहे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए हमारे लिए बहुत ही मेरे प्रियो इस बात को गंभीरता से लेने की बात है कि यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो जाए, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का पाप मेरे प्रियो क्षमा किया जाए।
क्योंकि यीशु मसीह को पता है मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह इस पाप की क्षमा को नहीं करते तो यीशु मसीह को पता था कि मेरे प्रियो सब लोग खतरे में पड़े हैं, और इसलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह सब लोगों को पाप के दंड से बचाना चाहते थे, सब लोगों को जीवन देना चाहते थे। और इस निमित्त मेरे प्रियो यीशु मसीह ने, हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पर पाप क्षमा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो थोड़ा सा हम यीशु मसीह की क्रूस पर वाणी पर मनन करें, यदि आपके जीवन के साथ में ऐसा होता, यदि हमारे जीवन के साथ में ऐसा होता, तो आप और हम लोग इस जगह पे क्या करते मेरे प्रियो। यदि आज के परिवेश में अगर आपके बारे में कोई भी थोड़ा सा भला बुरा बोल दें, अगर आपके विरुद्ध में कोई काम कर दें, तो मेरे मेरे प्रियो आपके आपका हमारा जो व्यवहार है उनके प्रति बदल जाता है। हाँ मेरे प्रियो, आप और हम क्या हो जाते हैं, बौखला जाते हैं हम मेरे प्रियो उनके लिए, मेरे प्रियो बदला लेने का भावना को रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मुखों में, हमारे हृदय में उनके प्रति क्या रहता है, क्रोध रहता है, घृणा रहता है, और हम लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं फिर उनके साथ में क्या करूँगा, वैसा करूँगा। लेकिन मेरे प्रियो हम इस बात को जाने, हम इस बात को जाने मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने क्या किया। मेरे प्रियो पहला पत्रस उसका एक अध्याय उसका 9 पद को जब पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तुम बुराई से, बुराई का तुम बदला बुराई से मत लो, हाँ मेरे प्रियो, लेकिन तुम अपने सताने वालों को तुम क्या दो, तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के भागीदारी होने के लिए तुम बुलाए गए हो। मेरे प्रियो रोमी 12:21 को पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो लेकिन तुम बुराई को भलाई से जीत लो। मेरे प्रियो आज यीशु मसीह चाहता है कि हम भी आज यीशु मसीह के स्वभाव में होकर जीवन को व्यतीत करना, मेरे प्रियो यीशु का हमारा जाति को क्षमा करना, अपने सताने वालों को क्षमा करना, अपने दोष लगाने वालों को क्षमा करना, अपने शत्रुओं को क्षमा करना, अपने बैरियों को क्षमा करना, मेरे प्रियो उसका ईश्वरीय गुण था, उसका प्रेम था। मेरे प्रियो यीशु मसीह ये भी बताना चाह रहे थे कि निश्चय मानव जाति के लिए यीशु मसीह का प्रेम आज भी खुला हुआ है, उनका हृदय खुला हुआ है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह आज भी हम एक एक से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, और हम एक एक का वो विनाश नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एक एक को आज वो जीवन देना चाहते हैं, हम एक एक को बचाना चाहते हैं मेरे प्रियो, और आज आपको और हमको भी आज क्षमा करते हैं। यीशु मसीह ने किन को क्षमा किया मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उन सभी लोगों को क्षमा किया जिन लोगों से यीशु मसीह को दुख हुआ था, जिन लोगों के कारण से यीशु मसीह का दुख बढ़ा था, पतरस को भी उन्होंने क्षमा किया जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, यहूदा इस्करियोती को भी मेरे प्रियो जिन्होंने चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया था, उस भीड़ को भी, उस पिलातुस को भी, उन हरेक सैनियों को भी, उन जलाद को भी जिन्होंने मेरे प्रियो यीशु के हाथ और पाँव में मेरे प्रियो कीलों ठोकी, जिन्होंने प्रियो भाले से छेदा, उन हरेक को भी यीशु मसीह ने क्षमा किया। आज मेरे प्रियो वही क्षमा हम लोगों के लिए भी है कि हमने भी जितना भी हम पाप किए हैं, जितना भी परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं मेरे प्रियो, आज आपके लिए भी वो क्षमा का घोषणा है मेरे प्रियो। वो क्षमा का घोषणा केवल वहां पर उपस्थित लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जितने लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आज आपके लिए भी वो क्रूस का वाणी क्षमा का घोषणा करता है, और आज यीशु मसीह आपको हमको क्या करते हैं, क्षमा करते हैं मेरे प्रियो। हाँ, अगर यीशु मसीह मेरे प्रियो अच्छा चाहते तो वो बदला ले सकते थे मेरे प्रियो। हाँ, और क्षमा क्या है मेरे प्रियो, कि बदला लेने का सामर्थ्य होने पर भी अपने विरोधियों को, अपने दोषियों को क्या करना, क्षमा करना। हाँ मेरे प्रियो, बदला लेने का सामर्थ्य होने पर भी अपने विरोधियों को क्या करना, क्षमा करना। और मेरे प्रियो क्षमा करना वो बिना शर्त का होता है, इसके पीछे कोई भी शर्त नहीं है कि वो माफी मांगेगा, वो आएगा तब क्षमा करेंगे। मेरे प्रियो यीशु मसीह लोगों को क्षमा किया, क्यों, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरे प्रियो ये लोग खतरे में है। हाँ मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया। मेरे प्रियो आज वही क्षमा की बातें आज आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी आज पूरा होने की बातें हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह आज हम एक एक से भी चाहता है कि हमारे जीवन में भी यीशु का स्वभाव दिखने पाए, और हम भी मेरे प्रियो नम्र व्यक्ति बने, और हम भी अपने बैरियों को, अपने लोगों को क्षमा करने वाला बनने पाए। मेरे प्रियो यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश में हमें उन्होंने शिक्षा दिया था प्रेम की बातों को, हाँ मेरे प्रियो मेरे प्रेम की बातों को, अपने बैरियों को क्षमा करने की बातों को, मेरे प्रियो उसे मरते हुए कलवरी के क्रूस में पूरा करके दिखाए। मत्ती 5:43-48 को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर हम लोग, हाँ मेरे प्रियो वहां पर हम लोग सुनने पाते हैं, हाँ मेरे प्रियो वहां पर हम लोग सुनने पाते हैं मेरे प्रियो कि सचमुच में वहाँ पर इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने कहा था। हाँ मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने क्या कहा था हम लोग देखने पाते हैं मेरे प्रियो कि अपने शत्रुओं से तुम क्या करो, प्रेम करो। हाँ मेरे प्रियो, अपने शत्रुओं से तुम क्या करो, प्रेम करो।
आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पर पहाड़ी देश में यीशु मसीह ने कहा था कि अपने शत्रुओं से तुम क्या करो, प्रेम करो। जो तुमसे बैर करे उनका तुम भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम क्या दो आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए तुम प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रभु, पहाड़ी उद्देश्य में यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया था, और इस बात को मेरे प्रभु मरते हुए जब उनके शत्रु उन पर मेरे प्रियो अन्याय किए, ऐसे लोगों को अपने शत्रुओं से क्या किया, प्रेम किया, अपने बैरियों का भला किया, अपने श्राप देने वालों को आशीष दिया, अपने अपमान करने वाला का मेरे प्रियो वो प्रार्थना किया। इस बात को मेरे प्रियो यीशु मसीह ने अपने तेवर शिक्षा में नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन से अंतिम क्षण में वो पूरा करके दिखाया, और वही बातें मेरे प्रियो आज चाहता है कि हमारे जीवन में पूरा हो। मेरी प्रो, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन यीशु मसीह के कथनी और करनी में समानता था। आज भी मेरे प्रो हम भी कहते हैं कि यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में है, लेकिन मेरे प्रो आज वो स्वभाव हमारे जीवन में बहुत बार नहीं दिखता है। बहुत बार मेरे प्रो हम अपने पड़ोसियों को, अपने विरोधियों को, अपने दोषियों को हम क्षमा नहीं करते हैं। मेरे प्रो अपने लोगों को हम क्षमा नहीं करते हैं। और यही कारण से है कि आज अपने भाई भाई से नहीं पढ़ता है, हम मंडली के लोगों से नहीं पढ़ता है, समाज के लोगों से नहीं पढ़ता है। और मेरे प्रियो आज जो समाज में, परिवार में आज जो लड़ाई और झगड़ा की बातें हैं, आज यही कारण से है मेरे प्रियो कि हम एक दूसरे को क्षमा करना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह ने मेरे प्रियो इस बात को करके दिखा दिया। हाँ मेरे प्रियो, पतरस ने कहा था, मेरे प्रियो मत्ती 18 उसका 21 से लेकर 35 पद में पढ़ेंगे, वहां पर पतरस ने कहा था कि हे पिता, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं कितना बार उन्हें क्षमा करूंगा। यीशु ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार का तुम 7 बार तुम क्षमा करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 7 बार का तुम 70 बार तुम क्षमा करो। मसीह में प्रियो, यदि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरे के गुनाहों को हम क्षमा नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो आज हमारा स्वर्गीय पिता भी आप पर हमको क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो आज आप पर हम क्षमा किए गए हैं, हम लोग बचाए गए हैं मेरे प्रियो, तो आज हो सकता है कि हम भी अपने पड़ोसियों को क्षमा करें, अपने भाइयों को क्षमा करें, अपने लोगों को क्षमा करें। मेरे प्रियो निश्चय यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 6 में कहा है 14-15 पद में, यदि तुम मनुष्य के अपराध तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग बहुत बार अपने लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, अपने लोगों का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो, और यही कारण है कि बहुत बार क्या करते हैं, अगर हमारे पड़ोसी के परिवार में समाज है तो हम उठना बैठना भी नहीं चाहते हैं। हम क्या बोलते हैं कि फलना व्यक्ति ने, फलना परिवार ने मेरे साथ में ऐसा किया है, मैं उस भाई का मैं चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ, मैं उस भाई से मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म में तो मैं उसका घर का चौखट नहीं खुंदूंगा। और यही कारण है मेरे प्रियो कि जो मसीह का प्रेम है वो दिखलाई नहीं देता है। हमारे बीच में लड़ाई और झगड़ा की बातें आ रही है, हमारे देश में, कलीसिया में मेरे प्रियो लड़ाई और झगड़ा की बातें हो रही है, इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि आज हम लोग क्षमा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बदला लेना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो कि जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हम लोग प्रभु की प्रार्थना में मत्ती 6:9-13 में हम लोग देखते हैं प्रभु को प्रार्थना में, वहां पर कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। यदि मेरे को हम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो आज यीशु मसीह भी आपके पापों को, हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। लेकिन मेरे को जिस दिन हम एक दूसरे को क्षमा करना हम शुरू कर देंगे, मेरे को जिस दिन एक दूसरे को माफ करना शुरू कर देंगे, मेरे को हमारे जीवन में परमेश्वर का मेल और प्रेम स्थापित होगा, परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा मेरे को। और जिस दिन एक एक लोग मसीह की शिक्षा को मेरे को पालन करना शुरू कर दे, फॉलो करना शुरू कर दे, मेरे प्रियो मेरा विश्वास है कि आज जो पूरे जो देश में जो आज लड़ाई और झगड़ा की बातें हैं, हिंसा और डाक की बातें हैं, मेरे प्रियो सारी बातें खत्म हो जाएगी, पूरे देश में शांति कायम होगा मेरे प्रियो, पूरे मंडली में शांति कायम होगा, पूरे कलीसिया में शांति कायम होगा, पूरे परिवार में शांति कायम होगा मेरे प्रियो। लेकिन आज हम लोग क्या बोलते हैं, फलना ने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, मैं उनका ईंट का ईंट बजा कर रख दूंगा, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया है, मैं उनके साथ वैसा करूंगा। मेरे प्रभु यीशु ने कहा कि तुम आशीष के भागीदार होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम श्राप ना दो लेकिन तुम उन्हें आशीष ही दो। और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को तुम भलाई से क्या करो, जीत लो। हाँ मेरे प्रभु, जबकि यीशु के मुख से क्या निकलना था, मेरे प्रभु वहां पर घृणा होना था, श्राप निकलना था, क्योंकि वो भीषण भयंकर दुख में था।
लेकिन ऐसे समय में यीशु ने क्षमा किया अपने बैरियों को, अपने शत्रुओं को, अपने अपमान करने वालों को, अपने सताने वालों को। मेरे क्यों आज आप और हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, और जब क्षमा करेंगे मेरे को इस बात को जानिए जो हमारा बिगड़ा हुआ संबंध है वो मेरे को दूर होगा और हम यीशु के अद्भुत आशीष को अपने जीवन में हम लोग देखने पाएंगे। मेरे प्रियो इसी तरह से आइए आज हम लोग यीशु मसीह के दूसरे बाने पर मनन करें। हम मेरे दूसरी बाने में भी हम लोग देखने पाते हैं मेरे प्रियो लूका 23 उसका 43 पर, लूका 23 उसका 43 पर यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहाँ पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ में कहाँ पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो ये जो वाणी है यीशु मसीह के मुख से निकल रहा है किसके लिए निकल रहा है मेरे प्रियो? एक डाकू के लिए निकल रहा है। और वो डाकू मेरे प्रियो, जो डाकू क्या किया मेरे प्रियो? अन्यायपूर्ण जीवन को व्यतीत किया, वो पाप में जीवन को व्यतीत किया मेरे प्रियो, वो बुराई में जीवन को व्यतीत किया, वो चोरी किया, हत्या किया, लोगों के जीवन में दुख को लाया। लेकिन उस डाकू के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो सोचिए जब इस बात को वो डाकू सुना होगा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, मेरे प्रियो सोचिए कि वो ऐसे दुख की घड़ी में वो आनंद से भर गया होगा, वो से भर गया होगा मेरे प्रियो, क्योंकि सचमुच में वो अनंत मृत्यु में मरने वाला था। लेकिन यीशु मसीह ने उनके उस परिस्थिति को बदल दिया। तो मेरे प्रियो ऐसा क्यों हुआ कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? मेरे प्रियो इसलिए क्योंकि वो जो डाकू था यीशु मसीह के पहला क्रूश बाने को सुना था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, और उस क्रूश बाने को जब वो सुना था मेरे प्रियो, वो इसी समय यीशु को पहचान लिया था मेरे प्रियो, उसी समय वो यीशु को पहचान लिया था। क्योंकि जब क्रूस से कोई व्यक्ति मरता था वो श्राप की बात को करता था, लेकिन ये पहला ऐसा व्यक्ति था मेरे प्रियो जो अपने सताने वालों को आशीष दिया था, उनके लिए मेरे प्रियो प्रार्थना किया था क्षमा का, और इस वचन से मेरे प्रियो वो कायल हो चुका था और यीशु मसीह को पहचान लिया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन ये स्वयं परमेश्वर है। और इसीलिए मेरे प्रियो सचमुच में वो यीशु मसीह को पहचान पाया, वो अपने आप को पहचान पाया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो उस पाप के कारण से जितने वो मृत्यु की ओर जा रहा था उस पाप से उन्होंने मेरे प्रियो मन फिराया। हाँ मेरे प्रियो आजाद को और हमको भी मन फिराने की आवश्यकता है। जिस क्षण आप और हम मन फिराते हैं मेरे प्रियो, अपने कामों को छोड़ते हैं, अपने बुरे कामों को छोड़ते हैं, जो स्वर्ग का द्वार है मेरे प्रियो वो आपके लिए खुल जाता है। नीति वचन 28 उसका 13 पद वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है, जो अपने पापों को छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, और इस बात को मेरे प्रियो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि वो जो डाकू था अपने पाप को मान लिया। लूका 23:40-41 पर देखने पाते हैं वहां पर वो बाएं ओर के डाकू से कहता है कि हम तो न्याय अनुसार क्या कर रहे हैं? दंड हम पा रहे हैं। हाँ हम तो अपने काम के अनुसार, जैसा हम लोगों ने काम किया है हम लोग अपने काम के अनुसार दंड पा रहे हैं। और हे यीशु जब तू स्वर्ग में होगा तो क्या करना? तू मेरी शुद्धि लेना मेरे प्रियो, अपने पाप को पहचाना कि वो पापी व्यक्ति है, वो डाकर डाला है, वो चोरी किया है, लोगों के जीवन को बर्बाद किया है, और उसका दंड क्या है? मृत्यु है। हाँ मेरे प्रियो वो अनंत का विचार किया कि यही यीशु है जो क्षमा दे सकता है, और मेरे प्रियो इसलिए उन्होंने अपने पाप को स्वीकार कर लिया। मेरे प्रियो आज बहुत बार हम लोग अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, अपने गुनाहों को आज हम लोग बहुत बार नहीं मानते हैं। आज अपने पापों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, अपने गुनाहों को मानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि आज आपका पाप क्षमा किया जाए। और जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह देरी नहीं करता है मेरे प्रियो, लेकिन आपके लिए द्वार को खोल देता है। जब आप मेरे प्रियो बहुत जगह आप जाते हैं, बहुत बार टाइम लगता है मेरे प्रियो, हाँ, लेकिन मेरे प्रियो आपके लिए, हमारे लिए अवसर है कि हम मेरे प्रियो देरी ना करें। यीशु मसीह ने तुरंत कहा आज ही तू मेरे साथ कहाँ पर होगा? स्वर्ग होगा। कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, लेकिन आज ही तू मेरे साथ कहाँ पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो आज यही वचन आज आपके लिए भी यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य आपके लिए है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसके लिए आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम अपने पापों को मान लें, अपने पापों से पछताव करें। मेरे प्रियो इस बात को जाने कि पाप में पछताव करना में बहुत अंतर है मेरे प्रियो, हाँ, पछताव करना और पछतावा में बहुत अंतर है मेरे प्रियो, हाँ, मेरे प्रियो पछतावा करना और पछताव में बहुत अंतर है, इस बात को जाने मेरे प्रियो। जब हम पछताव करते हैं
तो सच्चा हम शोक उत्पन्न होता है मेरी प्रभु, और सच्चा शोक मेरी प्रभु वो क्या करता है, भक्ति को उत्पन्न करता है, वो हमारे जीवन में उद्धार को उत्पन्न करता है। मेरे प्रभु यहूदा ने भी मेरी प्रभु वहाँ पर पछतावा किया था और यही कारण थे मेरे प्रभु नाश हो गया। लेकिन मेरे प्रभु पतरस वहाँ पर पछतावा नहीं किया लेकिन पछताप किया, और यही कारण थे मेरी प्रभु वो जीवन को प्राप्त कर सका। मेरे प्रभु यदि आज भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए हैं मेरे प्रभु, तो आज अपने गुनाहों को मान लें, अपने पापों को हम लोग मान लें मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे प्रभु जब हम मान लेते हैं मेरे प्रभु हमारा पाप क्षमा किया जाएगा। टीकाकार कहता है कि यीशु मसीह ने अपने हाथ को दोनों डाकुओं को बढ़ाया था लेकिन मेरे प्रभु बाएं ओर के डाकू ने यीशु मसीह के हाथ को नहीं पकड़ा। हाँ मेरे प्रभु, उस अवसर का लाभ वो दाहिने ओर के डाकू ने उठाया। मेरे प्रभु आपको और हमको अवसर मिलेगा पाप क्षमा के लिए कि नहीं, आप और हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपका और हमारा मृत्यु कब होगा, हमारे जीवन का अंत कब होगा, हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए आज और अभी अपने पापों से क्षमा करने की आवश्यकता है मेरे प्रभु। हम ना बोले कि हम कल अपने पापों से क्षमा करेंगे, हम कल से गिरजा जाएंगे, हम कल से बाइबल पढ़ेंगे, हम कल से प्रार्थना करेंगे, हम कल से पीना छोड़ेंगे, हम कल से लड़ाई झगड़ा छोड़ेंगे, हम कल से गलत काम को छोड़ेंगे। मेरे प्रभु शायद आपके लिए हमारे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। मेरे प्रभु मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि दवा का एक्सपायरी डेट होता है, बहुत सारे चीज़ों का एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन मानव जाति का एक्सपायरी डेट नहीं है मेरे प्रभु। एक्सपायरी डेट है लेकिन मेरे प्रभु आप और हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का अंत कब होगा, और इसलिए मेरे प्रभु आज हम लोगों का बहुत आवश्यकता है कि हम अपने पापों को मान लें, और जिस क्षण अपने पापों को मान लेते हैं वो अनंत जीवन का द्वार आपके लिए खुल जाएगा, वह सर्व को द्वार आपके लिए खुल जाएगा मेरे प्रभु। इसलिए आज हो सकता है कि जब यीशु ने आपको क्षमा किया है, हमें प्रभु अपने पापों को मान लें, पछताप करें, सचमुच में हम भी उस मरते हुए डाकू के जैसा हम बचाए जाएंगे मेरे प्रभु। इसी तरह से आइए आज हम लोग तीसरा पुरुष वाणी को हम सुने, जो हम लोग पाते हैं मेरे प्रभु यूहन्ना 19 उसका 27 पद में देखने पाते हैं। यूहन्ना 19 उसका 27 पद में कि हे नारी देख या तेरा पुत्र है या तेरी माता है। हाँ मेरे प्रभु, हम लोग क्रूस पर से देखते हैं यीशु मसीह, हाँ मेरे प्रभु वहाँ पर कहते हैं हे नारी देख या तेरा पुत्र है या तेरी माता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति की आवश्यकताओं को जानते हैं, हाँ मेरे प्रभु मानव जाति के दुख को जानते हैं, उनके दर्द को जानते हैं मेरे प्रभु। यूहन्ना 51:17 पर वचन कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। हाँ मेरे प्रभु, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता हम एक एक लोगों के मनों की व्यवस्था को जानते हैं, हमारे तकलीफ को जानते हैं, हमारे दुख को जानते हैं मेरे प्रभु, और वो परमेश्वर मेरे प्रभु जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके निकट में आते हैं, मेरे प्रभु आप विश्वास जानिए कि यीशु मसीह आपके जीवन को संभालते हैं, यीशु मसीह मेरे प्रभु हमारे जीवन में वो व्यवस्था करते हैं। आज हम इस बात को हम लोग देखने पाते हैं मेरे प्रभु कि यीशु कहते हैं कि हे नारी देख या तेरा पुत्र है या तेरी माता है। मेरे प्रभु यहाँ पर नारी कहने का अर्थ ये है, लोग सोचेंगे कि यीशु ने अपनी माँ मरियम को नारी क्यों कहा। मेरे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के परमेश्वर थे। यूहन्ना 17:16 में कहता है जैसा मैं स्वर्ग का नहीं, जैसा मैं इस जगत का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, इसी तरह से जो मेरे लोग हैं इस संसार के नहीं हैं। मेरे प्रभु यूहन्ना 6:51 पर आप पढ़ेंगे, वचन कहता है कि यीशु मसीह में से मेरे प्रभु स्वर्ग से उतरे थे और मेरे प्रभु सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए थे, और जिनमें उनकी माँ भी शामिल थी। यीशु मसीह सारे लोगों को और अपने माँ को भी एक मानव के रूप में देख रहे थे, एक उद्धार का आवश्यकता के रूप में देख रहे थे मेरे प्रभु, कि उसकी माँ को भी उद्धार का आवश्यकता है, और यीशु मसीह मेरे प्रभु सारे लोगों के लिए उद्धार के काम को किए हैं, सारे मानव जाति के लिए, जिसमें उसकी माँ भी शामिल है, और इसीलिए उसे कहना पड़ा कि हे नारी। हाँ मेरे प्रभु, और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु वहाँ पर क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु वहाँ पर देखते हैं कि मेरे प्रभु जो माता मरियम है वो यीशु मसीह की मृत्यु से, उसके मेरे प्रभु क्रूश मृत्यु से बहुत ही मेरे प्रभु टूट चुके हैं। आप और हम लोग मेरे प्रभु थोड़ा सा गौर करें कि एक माँ के सामने में उसका बेटा मर रहा है। मेरे प्रभु सोचिए कि अगर आप और हमको थोड़ा सा चोट लगता है तो एक माँ कड़ा उठती है, तड़प उठती है, और वहाँ पर उसका बेटा मर रहा है, तड़प रहा है, और ऐसे समय में उसकी माँ कुछ भी नहीं कर पा रही है। मेरे प्रभु इतने समय तक उसकी माँ यीशु के पीछे पीछे चला करती थी,
जहाँ कहीं यीशु वचन के लिए प्रचार के लिए जाते थे वहाँ पर यीशु हम लोग उसकी माँ जाती थी। लेकिन अब मरियम को पता था कि अब वो किसके साथ में रहेगी मेरे प्रो। और वहाँ पर मेरे प्रो हम लोग देखते हैं योहन्ना 7:5 पद में कि यीशु मसीह के और भी बहुत सारे भाई थे लेकिन मेरे प्रो वो विश्वासी नहीं थे। हाँ मेरे प्रो यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे लेकिन मेरे प्रो वो विश्वासी नहीं थे। और इसी कारण मेरे प्रो यीशु मसीह ने मेरे प्रो जिम्मेदारी दिया, दायित्व दिया योहन्ना के लिए मेरे प्रो कि वो हाँ प्रो उसके माता का क्या करे, देखभाल करे, उनका पालन पोषण करे मेरे प्रो। क्योंकि मेरे प्रो मरियम हाँ मेरे प्रो दुख में थी, तकलीफ में थी और मेरे प्रो वो चाहता था कि उसके उसके माँ के जीवन में मेरे प्रो क्या हो, मेरे प्रो वो दर्द खत्म हो जाए, जो मेरे प्रो वो खाली जगह जो है मेरे प्रो वो योहन्ना के कारण से भर जाए। दायित्व को दिया, जिम्मेदारी को दिया मेरे प्रो। हाँ मेरे प्रो वहाँ पर मरियम के दुख को देख रहा था कि मरियम किस तरह से टूटा हुआ है। हाँ मेरे प्रो उन्होंने मेरे प्रो योहन्ना को बेटा के रूप में क्या कर दिया, प्रबंध कर दिया मेरे प्रो। ऐसे ही आज आपके लिए हमारे लिए भी सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपको और हमको परिवार को दिया है मेरे प्रो। और आज आपको हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम उस परिवार का कितना हम केयर करते हैं, अपने लोगों का हम कितना देखभाल करते हैं मेरे प्रो। मैं पढ़ रहा था कि बहुत ज़्यादा रिश्ता होना काफ़ी नहीं है लेकिन रिश्ता में जान होना वो काफ़ी है मेरे प्रो। मेरे प्रो आज बहुत सारे रिलेशन है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, नाना है, नानी है, लेकिन मेरे प्रो आज का दौर में क्या हो रहा है, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपने लोगों से उनका रिश्ता खत्म होता जा रहा है। हाँ मेरे प्रो उनका रिश्ता खत्म होता जा रहा है। आज आप पर हम सोचें कि हमारे लोगों के साथ में हमारा रिश्ता कैसा है, जो जिम्मेदारी आपको दे रहा है उसको हम लोग कैसे पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज बहुत सारे आज परिवार है मालूम है मेरे प्रियो अपने माता पिता के साथ में आज प्रेम के साथ में बर्ताव नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ में ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, अपने माता पिता के आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने माता पिता के विरोध में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन टीकाकार कहता है कि जब योहन्ना को जिम्मेदारी दिया गया, दायित्व दिया गया मेरे प्रियो कि उसकी माँ टूटी हुई है, उसकी माँ अब बेसहारा हो जाएगी, उसकी मां रो रही है, उसको संभाले। हाँ मेरे प्रियो और ऐसे समय में हम लोग देखने पाते हैं कि टीकाकार कहता है कि 12 साल तक हाँ मेरे प्रियो उसकी मां और जीवित रही योहन्ना के साथ में। और योहन्ना ने मेरे प्रियो बहुत ही प्रेम के साथ में, बहुत ही दया के साथ में हाँ मेरे प्रियो और यीशु की माता को क्या किया मेरे प्रियो, परवरिश किया, उनका देखभाल किया। आज हम देखिए मेरे प्रियो कि हम अपने माता पिता का कितना देखभाल करते हैं, अपने माता पिता को कितना हम संभालते हैं मेरे प्रियो। आज कितने माता पिता के लिए मेरे प्रियो क्या है, आज वृद्धा आश्रम है, उनके बाल बच्चे मेरे प्रियो माता पिता को आज केयर नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में मेरे प्रियो आज जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है आज वो खत्म होता जा रहा है मेरे प्रियो। केवल रिश्ता बनाना काफ़ी नहीं है लेकिन रिश्ता में जान लाना वो काफ़ी है मेरे प्रियो। उस दायित्व को, जिम्मेदारी को पूरा करना है। यीशु मसीह ने मरियम की आवश्यकताओं को जाना और मेरे प्रियो योहन्ना को खड़ा किया कि ऐसे दुख के घड़ी में, तकलीफ के घड़ी में वो क्या करे, अपने माँ को संभाले। मेरे प्रियो ऐसे ही आज यीशु मसीह आपको भी मेरे प्रियो खड़ा करना चाहता है कि हम अपने मंडली को संभालें, हमारे प्रियो हम अपने लोगों को संभालें। आज अपने मंडली के लोगों को जो गिरे हुए दशा में है, जो आज टूटे हुए लोग हैं, जो आज बीमारी की दशा में है, हम अपने लोगों को हम मेरे प्रियो संभालें। आज यीशु मसीह ये भी चाहता है मेरे प्रियो। हाँ वहाँ पर योहन्ना को जिम्मेदारी दिया था, आज आपको और हमको भी जिम्मेदारी देता है मेरे प्रियो कि आज हम जो दुखित लोग हैं, जो टूटा हुआ परिवार है, जो बिखरा हुआ परिवार है, उस परिवार को हम लोग जोड़ें मेरे प्रियो। कितना आज हम लोग पहल करते हैं मेरे प्रियो, थोड़ा सा हम लोग गौर करें। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसे समय में हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं कि कितने लोग जंगल में ठहरे हुए हैं, वो लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग बेसहारा हो रहे हैं मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग रो रो के बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। और ऐसे समय में मेरे प्रियो आज आपके लिए हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने लोगों के लिए हम सोचें, अपने अगल बगल के लोगों को मेरे प्रियो हम क्या करें, हम उसका देखभाल करें। मैं कल अपने छोटे भाई से मैं बात कर रहा था, बाबू आज का डेट में हमारे लोगों के पास में पैसा कौड़ी का कोई कमी घटी नहीं है, धन दौलत का कमी घटी नहीं है, लेकिन बाबू आज सबसे बड़ी कमी है ना, वो है दिल की कमी। देने के लिए मेरे प्रियो दिल चाहिए, दिल। हाँ मेरे प्रियो और आज वही चीज जो दिल है देने की आत्मा वो नहीं है मेरे प्रियो। गलाती 6:2 में वचन कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरह से तुम परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करो, तुम पूरी करो। मेरे प्रियो तुम एक दूसरे का भार उठाओ, वहां पर योहन्ना को जिम्मेदारी दिया कि तुम इस मेरी माँ का तुम क्या करो, भार को उठाओ, मेरी माँ का तुम जिम्मेदारी को उठाओ, दायित्व को दे दिया।
मेरी प्रभु आज आपके लिए भी दायित्व दिया है कि हमारे जो मंडली में गिरे हुए लोग हैं, हमारे कलिश्या में जो गिरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को मेरे प्रभु हम उठाएं, ऐसे लोगों का हम देखभाल करें, ऐसे लोगों को हम मेरे टूटने से बचा लें, ऐसे लोगों को हम बिखेरने से हम बचा लें मेरे प्रभु। आज कौन करेगा मेरे प्रभु? आज आपको और हमको आज खड़ा होने की आवश्यकता है। आज मेरे प्रभु आज अपने मुट्ठी को आज खोलने की आवश्यकता है, अपने मेरे प्रभु आज खतों को खोलने की आवश्यकता है, अपने जीवन को आज सेवा के लिए आज खोलने की आवश्यकता है मेरे प्रभु, कि आज हमारे जीवन से लोगों का जीवन आज संभलने पाए, हम आज लोगों का सहारा बने मेरे प्रभु, लोगों का आज हम सहायक बने मेरे प्रभु। हाँ, आज कितने लोग आज मेरे कोरोना के कारण से आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं मेरे प्रभु। जब मैं वीडियो देखता हूँ ना, तो कभी कभी मेरे आंखों से ना आंसू निकलता है, मुझे लगता है कि काश कि मैं उनका सहायता कर पाता, कल मैं मदद कर पाता। लेकिन मेरे प्रभु आज हमारे लिए हो सकता है कि हम भी एक दूसरे का सहारा बने। यूहन्ना अपने यीशु के माता का सहारा बना मेरे प्रभु। आज वही दायित्व तो जिम्मेदारी दिया है कि हम भी एक दूसरे का हम क्या बने, सहारा बने, अपने जो हमारे बीच में कितने गरीब लोग हैं उन लोगों को मेरे प्रभु ऐसे समय में हम संभालें, ताकि आपके कारण से उनका जीवन संभालने पाए। जब ऐसा करेंगे क्रूस की आशीष हम अधिकारी से हम लोग प्राप्त करने पाएंगे मेरे प्रभु। आइए इसी के साथ में हम लोग चौथे क्रूस वाणी पर मनन करें। हाँ मेरे प्रभु, जिसे हम लोग पाते हैं मत्ती 27:46 पद में वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रभु, हम लोग देखने पाते हैं, कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। मेरे प्रभु इस बात को जानिए कि मेरे प्रभु परमेश्वर और शैतान एक साथ नहीं रह सकते हैं, पाप और बुराई एक साथ नहीं रह सकते हैं मेरे प्रभु। हाँ, पाप और बुराई एक साथ में नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग उसी बात को देखते हैं मेरे प्रभु, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह मर रहे हैं, जब वो उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसे छोड़ दिया। और वो ऐसे दुख में है, तड़प रहे, और क्या बोलते हैं कि हे एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रभु ऐसा क्यों कहे, क्यों छोड़ दिया यीशु मसीह ने मेरे प्रभु? इसलिए मेरे प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह समत मानव जाति के पाप को, सामत मानव जाति के भार को अपने कंधों पर उठा लिया। जो दंड हमको भोगना था, जो पाप हमको उठाना था, जो भार हमको उठाना था मेरे प्रभु, उस भार को यीशु मसीह ने अपने कंधों पर उठा लिया। और मेरे प्रभु, हम लोग सब जानते हैं यशया 59, उसका हम लोग दो पद को वचन को पढ़ते हैं, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। हाँ मेरे प्रभु, तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या कर दिया है, तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। यीशु मसीह मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिए थे, वो पाप से भर गए थे मेरे प्रभु, और इस कारण से परमेश्वर ने यीशु से क्या कर लिए, मुंह मोड़ लिए मेरे प्रभु। यीशु मसीह अकेला छोड़ दिए गए, क्यों? क्योंकि आपके पापों को वो उठा लिए, आपके बोझों को वो उठा लिए मेरे प्रभु। और इसीलिए आज हो सकता है मेरे प्रभु कि हम जब आपके पापों को उठाया है, हम पाप से अलग रहे मेरे प्रभु। अगर हम मेरे प्रभु ऐसा ही करते रहते हैं, तो आप और हम भी परमेश्वर से अलग किए जाएंगे। उसी के साथ में मेरे प्रभु, यीशु मसीह पर सारा पाप का बोझ लाद दिया गया था। यशया 53 उसका 6 पद में हम लोग देखते हैं मेरे प्रभु, कि यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया, हम सारे लोगों के अधर्म का बोझ को यीशु पर लाद दिया, और इसीलिए यीशु ने परमेश्वर से क्या कर लिया, मुंह को मोड़ लिया। हम लोगों के अधर्म का बोझ को यीशु पर लाद दिया। हाँ मेरे प्रभु, और उसी की तरह से हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थ 5:21 पर, जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने क्या बना दिया, पाप बना दिया। मेरे प्रभु यीशु मसीह वो आपके पापों को उठा रहे हैं, हमारे बोझों को उठा लिए हैं, हमारे लिए पाप बन गए हैं, और इसीलिए मेरे प्रभु परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया। इसलिए मेरे प्रभु, ताकि आप और हम परमेश्वर से अलग ना किए जाए, आप और हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए मेरे प्रभु। वो इमानुएल परमेश्वर जिन्होंने कहा है, इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, वो परमेश्वर आपसे दूर ना हो मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, यदि आपके जीवन में सब कुछ है, सारे लोग हैं, यदि यीशु मसीह नहीं है मेरे प्रभु, तो हम जीवन से वंचित हैं। पहला योना 5 उसका मेरे प्रभु अगर हम 11-12 पद में देखते हैं, वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो मेरे प्रभु आज बहुत ही आवश्यकता है, सोचने वाली बात है मेरे प्रभु, क्या आज यीशु मसीह हमारे साथ में है, या तो आज यीशु मसीह हमारे पापों के कारण से हमसे दूर है। यदि हम आज पापों में ही जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, यदि हम बुराई में ही जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रभु, तो जिस तरह से यीशु से परमेश्वर दूर हो गए थे, आज वो यीशु मसीह आपसे हमसे भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे मेरे प्रभु। और इसीलिए आवश्यकता है मेरे प्रभु कि यीशु ने जब आपके बोझों को उठा लिया है, हमारे अधर्म के बोझों को उठा लिया है मेरे प्रभु, कि हम अकेला ना हम गिने जाएं, हम अकेले ना छोड़ दी जाए मेरे प्रभु। आज यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आज वो आपको अकेला छोड़ दे, आज आपको अकेला रहने दे,
लेकिन मेरे प्रभु आज यीशु मसीह चाहता है कि इमानुएल बनकर वो आपके साथ में रहे, और इसीलिए मेरे प्रभु आपके बोझों को, आपके अधर्म के बोझों को यीशु ने उठाया, ताकि मेरे प्रभु हम परमेश्वर की संगति में रहे। आज हम लोग देखें मेरे प्रियो, क्या सचमुच में आज हम परमेश्वर की संगति में हैं? क्या आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग आज गिरजा से दूर हैं, आज भी बहुत सारे लोग मेरे प्रियो चर्च से दूर हैं, आज भी बहुत सारे लोग मेरे प्रियो प्रार्थना से दूर हैं, आज भी कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो बाइबल पढ़ने से दूर हैं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हम परमेश्वर की निकट आए। यीशु मसीह हमारे प्रियो आज अकेलापन को सह गए, ताकि हम अकेले ना छोड़े जाए मेरे प्रियो, आज हम पीड़ित ना हो, लेकिन हमारा जीवन बहुत आयत का जीवन हो मेरे प्रियो। और इस कारण से परमेश्वर ने मुंह मोड़ दिया और यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जो पाप है वो मेरे प्रियो परमेश्वर से क्या करता है, अलग करता है, और इसीलिए हम मेरे प्रियो पाप में ना पड़े रहे, हम बुराई में ना पड़े रह पाए, लेकिन मेरे प्रियो आज हम ज्योति के संतान हैं, ज्योति में चलने वाले बनने पाए, हम मेरे प्रियो ज्योति का गुण को हम लोग प्रकट करने पाए, हम लोग छुड़ाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, हम लोग उस छुड़ाया हुआ जीवन को व्यतीत कर, जब ऐसा करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन पे होगी मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको संभालेंगे मेरे प्रियो। और इसीलिए आ जाइए, जब हम क्रूस के निकट आए, उसके वाणी को सुनते हैं, उस वाणी को अपने जीवन में अधिकाइश हम पूरी होने दें, हम परमेश्वर के अद्भुत आशीष को अपने जीवन में, अपने परिवारों में हम देखने पाएंगे। परमेश्वर हम एक एक को इस क्रूस वाणियों में, वचनों में अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। तो आइए हम लोग प्रभु यीशु के दुख और मरण को स्मरण करते हुए साक्षीवाणी में से गीत को गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 59 को गाएंगे, 59। साक्षीवाणी गीत नंबर 59, 59 को हम लोग गाएंगे। रख तू मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बख के सदा होता। साक्षीवाणी गीत नंबर 59, 59। रख तू मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बख के सदा होता। क्रूस को धन्य मानता हूँगा, जब तक उसे राज्य को मैं न पहुँचूंगा। क्रूस के पास जब मैं रहा, तभी मुक्ति पाई, मैं ना पाऊं जो
सभी सभा खड़े हो जाएंगे जैसा जिनको बनता है। आइए हम सारी बातों के लिए हम लोग प्रभु को हम लोग धन्यवाद करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हमारे पापों के बोझ को अपने कंधों पर उठाने हारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि अब तक आपने हमें एक को अपनी छत्र छाया में रखा है, अपने क्रूश के निकट आने दिया है प्रभु, और आपने हमें एक को हाँ परमेश्वर जीवन का दान दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, एक बार फिर कर आपने हमें एक को भला शुक्रवार की आराधना के नाम आपने हमें एक को और हाँ प्यार पिता आपने ऑनलाइन चर्च के रूप में एक दूसरे के साथ में जोड़ा है प्रभु कि एक एक बार फिर से एक मन एक हृदय एक गीत होकर प्रभु हम आपके क्रूश के निकट आते हैं और आपके क्रूश से कहे हुए वाणियों पर हम मनन और चिंतन करने पाते हैं पिता। सचमुच प्यार पिता तो क्रूश वाणियों के द्वारा आज हम एक एक के लिए हाँ परमेश्वर पिता उद्धार के कार्य को आपने पूरा किया है, उस छुटकारे के काम को पूरा किया है प्रभु, और आज आपने हम एक एक को भी परमेश्वर ऐसे दायित्व को दिया है, जिम्मेदारी को दिया है प्रभु कि हम आपके स्वभाव में होकर आपके आज्ञा में होकर प्रभु हम परमेश्वर जिम्मेदारी भरा जीवन को हम व्यतीत करने वाले बन सकें, आपके साथ में अपने संबंध को हम सुधार सकें, अपने संबंध को हम आपके साथ में हम जोड़ सकें प्रभु, ताकि निश्चय मृत्यु के पश्चात भी हम परमेश्वर हम नाश ना हो लेकिन स्वर्गीय जीवन को हम प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज ऑनलाइन चर्च की आराधना के नाम जितने लोग जुड़े हुए हैं आज एक एक को आपके चरणों के पास लाते हैं, एक एक के जीवन को तो ग्रहण कर और एक एक के पापों को क्षमा कर और एक एक को क्रूश पर से स्वर्गीय आशीष को दे दे प्रभु, ताकि एक एक जीवन एक एक का परिवार आज आपके लहू से धोया जाकर हाँ परमेश्वर पिता आपके अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए, अद्भुत सामर्थ को आशीष को अपने परिवार में देखने पाए पिता, और ईश्वर के नाम में वो बहुत का जीवन को जीने पाए। हाँ मेरे खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं, तो एक एक की शुद्धि ले और एक एक को तू संभाल और एक एक को परमेश्वर तू आपके भला चंगा का जीवन प्रदान कर। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ परमेश्वर पिता जितने लोग आज परमेश्वर पिता इस आराधना में जुड़े हुए हैं कलकत्ता पेरिस को आपके हाथ में सौंपते हैं, एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, पेरिस पूरे पेरिस को अब तक आपने संभाला है, अब तक सारी बातों में अच्छा भला चरवाहा होकर अगुवाई किया है, आने वाले दिनों में तो अगुवाई कर ताकि ऐसे ही वो आपके आत्मा में आपके विश्वास में आपके वचन में बने रहने पाए और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने पाएंगे। हाँ परमेश्वर एक एक परमेश्वर पिता परिवार को संभाल और उनके हर एक कार्य में बहुत आपका आशीष दे, उनके हर एक मेहनत में तो बहुत आपका आशीष प्रदान कर। यदि कोई बीमारी की हालत में है प्रभु, यदि कोई समस्या की हालत में है तो तू चंगा करने वाला प्रभु, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर, गिरे हुए को उठाने वाला, झुके हुए को सीधा करने वाला परमेश्वर, तो अपने लोहानी हाथों को बढ़ा और आपकी एक एक को तो सुस्वस्थ का जीवन दे, चंगाई का दान दे, ताकि एक एक जन सुस्वस्थ होकर आपके नाम को धन्यवाद और आप ही के नाम को ही वो महिमा देने पाएंगे। हम महान परमेश्वर एक बार फिर के पूरे पेरिस को आपके हाथ में सौंपते हैं, एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके हर एक कार्य में तो बहुत आपका आशीष दे, एक जवान जूतों को पढ़ने लिखने में आशीष दे, जो नौकरी की तलाश में है तो यह हवा इरे होकर व्यवस्था कर ताकि आने वाले दिनों में अच्छी नौकरी सफलता प्राप्त कर आपके नाम को ही धन्य कहने पाएंगे। पिता परमेश्वर इस समय फिर भी कि हम प्रार्थना करते हैं, हम महान परमेश्वर पिता इस समय हम आपकी सेवा के लिए आपके महिमा के लिए आपके दिव्य दान में से हमने महान परमेश्वर आत्म साधना दान अर्पण किया है, सिरनी दान अर्पण किया है प्रभु आपके निकट लाते हैं, इन हर एक दानों को ग्रहण कर, इन दानों को तू आशीषित कर ताकि इस दान के द्वारा आपकी सेवा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए और आपका आगे बढ़ने पाए। हर एक देने वाले हाथों को आशीष दे, हर एक खत्तों को तो भरा पूरा रख ताकि जब यीशु के नाम से देते हैं उनके जीवन में आपकी आशीषें आपकी बढ़ती बनी रहने पाए। महान परमेश्वर एक बार फिर के पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरे संसार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आज पूरा संसार कोरोना के चपेटे में है, हाँ महान परमेश्वर पिता ऐसे समय में हम आपकी ओर अपने आंखों को उठाते हैं, आकाश और पृथ्वी का अधिकार आपके हाथ में है, उस अधिकार से तो अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा प्रभु और नीचे हर एक उस कोरोना के सामर्थ्य को यीशु के नाम से दूर कर दे। हाँ परमेश्वर तू अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है कि ये कोरोना यीशु के नाम से दूर होने पाए और पूरे संसार में अमन चैन शांति आने पाए और एक एक जन आपकी स्तुति महिमा और आपकी स्तुति करने पाएंगे। हाँ महान परमेश्वर पिता जो भी प्रशासन की ओर से कदम उठाया जा रहा है, हाँ जो योजना बनाई जा रही है उन्हें बहुत आशीष दे ताकि एक एक मानव जाति के लिए वो हितकर होने पाए, आशीष का कारण ठहरने पाए। इसी रीति से महान परमेश्वर कितने ऐसे प्यारे पिता जो बेसहारा है असहाय है भूखे हैं प्यासे हैं उन लोगों को भी बड़ी तरस का अनुग्रह कर महान परमेश्वर, उनका सहाया बन उनका सहायक हो और उनके जीवन को भी तू आप ही संभाल, उनके आंखों से उनके आंसुओं को पोंछ डाल और उनके जीवन को तो अपने आनंद से भर दे, जैसा आपने कहा कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा, ऐसे ही परमेश्वर एक एक को तो आनंद भरा जीवन प्रदान कर। कितने कोरोना की बीमारी से प्यार पिता वो संक्रमित है बीमारी की अवस्था में है, तू छू ले और चंगाई का दान दे पिता ताकि उसको स्वस्थ होने पाए और आप ही के नाम को धन्य कहने
रह पाएंगे। पूरे कलिश्य को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, पूरे कलिश्य का स्वामी तू हो, पूरे कलिश्य का स्वामी हो और इस कलिश्य को तू जैसा चाहता है संभाल और आप ही अगुवाई कर। हर एक जो कमी घटी है यीशु के नाम से पूरा कर। कलिश्य के एक एक अगुओं को आशीष दे, पुत्रात्मा से भर दे ताकि उस आत्मा से भर कर आपकी इच्छा के अनुसार पूरे कलिश्य की विश्वासी भाई बहनों की वो अगुवाई करने पाएंगे। इसी रीति से प्रार्थना करते हैं पिता, एक बार फिर से हम एक एक जन आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। हम एक एक जीवन को तू ग्रहण कर और हमारे जीवन के सारे पापों को जो हमने आपके विरुद्ध में किए हैं यीशु के नाम से मानते हैं, अपने लहू से सारे पापों को क्षमा कर। आज दिन भर के जीवन को, समय को, काम को, यात्रा को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं हमारे साथ तो हो ले ताकि आज के दिन को सकुशल आपकी महिमा में व्यतीत करने पाएंगे। फिर से प्यार पिता हम एक एक को तो इस भला शुक्रवार की आशीष तो अधिकाई से प्रदान कर ताकि आज के दिन में हम आपके भलाई को, आपके उपकारों को अपने जीवन में देखने पाए और आपकी महिमा के लिए हम सिद्ध और तैयार होने पाए। सारा आदर में हम आपको देते हैं। जिन बातों को नहीं मांगा है हम एक एक जीवन के लिए सकता है आपके दृष्टि में देने योग्य है तो स्वर्ग के झरोखों से पूरा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बहुत माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु भलाई से बचा क्योंकि राज्य प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दिनमन होकर त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अनुग्रहित करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। 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 आप सबों को एक बार फिर कर भला शुक्रवार। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर भला शुक्रवार की आशीष आपको और आपके परिवार को अधिकाई से आशीष देवे। आमीन।